नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आपका टाइम मैनेजमेंट की इस सेशन में। क्या आपको लगता है कि टाइम मैनेजमेंट नाम का टॉपिक सीखने के लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता है? आपका जो भी आंसर हो, लेकिन मेरे ओपिनियन में टाइम मैनेजमेंट नाम का टॉपिक सीखने के लिए हमें किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझसे पूछें कि टाइम मैनेजमेंट का गुरु कौन है, तो मेरी निगाह में कुदरत से बढ़िया टाइम मैनेजमेंट का गुरु हो ही नहीं सकता। कैसे? मैं अपनी बात को लॉजिक के साथ आपके सामने रखूँगा। आप देखें आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है। ये कुदरत के बेशकीमती खूबसूरत फूल, इन फूलों की मूक वाणी को अगर हम समझें, अगर हम देखना चाहें कि ये फूल किस प्रक्रिया से गुजर के खिले हैं, तो हमें सब कुछ समझ आ जाएगा। आप देखें कि यहाँ जो फूल खिले हैं, वो ये बताते हैं कि जिस समय बरसात आनी चाहिए थी, बरसात आई होगी। जिस समय धूप निकलनी चाहिए थी, धूप निकली होगी। और जिस समय जो जो काम होना चाहिए था, वो हुआ होगा। इसका मतलब कुदरत ने एक खास ऋतुचर्या का, एक खास रूटीन का पालन किया और हमारे सामने ये खूबसूरत नज़ारे दिखाई दिए। यानी टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए कुदरत से बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। बस उसकी खामोश वाणी को, उसकी खामोशी को अगर हम समझें, तो बस ये बात बहुत ही आसानी से समझ आ जाती है। पर हो सकता है फिर भी कोई ये विचार करे कि नहीं भाई, नहीं, मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ। जब मर्जी मैं उठूँ, जब मर्जी मैं खाऊं, जब मर्जी मैं सो जाऊं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका उत्तर भी हम कुदरत से ही पूछ लेते हैं। कुदरत बताना चाहती है कि सारे काम जो आप करते हैं, आप सिर्फ उनके करने का ऑर्डर चेंज करते हैं। यानी जिस समय बरसात आनी चाहिए थी, उस समय धूप आ जाए। जिस समय धूप आनी चाहिए थी, उस समय बरसात आ जाए, या कुछ भी ऐसा ही। तो आप देखिए कि क्या इस प्रकार के खूबसूरत आउटपुट आएंगे। आप खुद समझदार हैं। तो ये खूबसूरत आउटपुट केवल और केवल एक खास रूटीन को फॉलो करने पर ही आ सकते हैं। अब ये खास रूटीन अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में अपना के चलें, तो आपकी ज़िंदगी के आउटपुट वो भी खूबसूरत हो सकते हैं। यानी अगर आप अपनी ज़िंदगी में हाईएस्ट अचीवमेंट पर जाना चाहते हैं, तो हाँ, आप भी एक खास रूटीन को फॉलो करना चाहिए। अब बात करते हैं किस तरह से ये सब हमारी ज़िंदगी में आगे हमारे को प्रभावित करता है। आपके सामने कुछ जीव दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये किसी खास रूटीन को फॉलो करते हैं, या जब मर्जी ये उठते हैं, जब मर्जी खाते हैं, जब मर्जी सो जाते हैं, इनकी कोई खास रूटीन नहीं है? क्या कहा, कोई रूटीन है? बल्कि इनकी तो हमसे भी बढ़िया रूटीन है। बात बिल्कुल सही है। आपको और मुझे ये बात वैज्ञानिकों ने बता दी है कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। बुद्धिमान तो मनुष्य है, लेकिन रूटीन किसकी सबसे बढ़िया, वो आप देखते हैं कि इन जीवों की। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं विरोधाभास जरूर है। बुद्धिमान हम, रूटीन इनकी बढ़िया। इसका मतलब कहीं ना कहीं करेक्शन की, कहीं ना कहीं विचारों की, कहीं ना कहीं आत्मचिंतन की, कहीं ना कहीं आत्ममंथन की जरूरत तो है। अब इस आत्ममंथन को हम कब शुरू करेंगे, किस संकेत की आवश्यकता है, किस संकेत के बारे में हम विचार कर रहे हैं, किस संकेत की हम अपेक्षा कर रहे हैं कि उसके बाद हम अपनी रूटीन को बनाएं, तो क्या आप उस वक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई भविष्यवाणी होगी, कोई आकाशवाणी होगी, एक आकाश में बिजली कौन देगी और उसके बाद आप अपनी एक दिनचर्या बनाएंगे? तो आई एम सॉरी, कभी ना खत्म होने वाली, कभी जिसका इंतजार खत्म नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति का परिवर्तन कभी नहीं होगा, अनलेस आप अपने मन से ये बात शुरू करें कि हाँ, मुझे आज और अभी से अपनी एक खास दिनचर्या को बनाना है। और अगर हम इस बात पे तस्दीक करते हैं, इस बात पे राजी हैं, तो देखिए कुदरत हमसे एक टाइम रूटीन का पालन करने को कह रही है, और जिससे परिणाम कितने खूबसूरत आप अपनी जिंदगी में पा सकते हैं। यदि आप भी अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आप अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं TM, यानी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, जब भी कोई टॉपिक शुरू होता है,
तो आपसे उसका वाय हमेशा पूछा जाता है। ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदा होगा हमारी जिंदगी में, इससे क्या ऐड हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितने गुना हमारा फायदा होगा वगैरह वगैरह। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी टॉपिक के साथ अगर आपकी दोस्ती होनी है तो हाँ, ये वाय बहुत बहुत क्लियर होना चाहिए। तो हम भी कोशिश करेंगे कि वाय आपके साथ स्पष्टता से डिस्कस किया जाए। हजारों ख्वाहिशें अपनी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी वो कम निकले। शेरो शायरी की क्या आवश्यकता है, इस बात को आप ध्यान से देखें। थिंग्स टू डू यानी हमारी जिंदगी में करने के जो काम है, यदि वो आपके सामने इस प्रकार से और उनको करने के लिए जो अगले 24 घंटे हैं वो ये आपके सामने है। क्या आपको लगता है कि ये सारे काम जो भी आपने करने हैं वो आज के हों, कल के हों, परसों के हों या एक महीने बाद के हों, अगर आप उन्हें एक लिस्ट पर लिख दें और उस लिस्ट का नाम रखें टू डू लिस्ट, क्या आपको लगता है कि वो टू डू लिस्ट अगले 24 घंटे में समाप्त हो जाएगी? नहीं। मान लेते हैं कि आपने अपनी एक टू डू लिस्ट बनाई, उस टू डू लिस्ट में आपके पास 20 वर्क, 20 काम आपने लिख लिए। अब सारे के सारे काम क्या अगले 24 घंटे में खत्म हो जाएंगे? नहीं। मान लेते हैं 10 काम जो आपके बिल्कुल नजदीक के थे, कल के थे, वो आपके आए और निपट गए। 20 आपने लिखे थे, 10 आपने निपटा दिए, कितने बच जाएंगे? अगर आपका उत्तर है 10, तो मैं आपसे कहूंगा एक बार फिर विचार करें, क्योंकि अगले 24 घंटे में भी तो कुछ काम आपको याद आएंगे, और अगर वो काम याद आएंगे तो उसके लिए कोई अलग से लिस्ट नहीं बनेगी, उसी लिस्ट में वो ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब ये कोई एलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं था कि 20 में से 10 गए 10, 20 में से जो काम हो गए वो हट जाएंगे और जो नए काम याद आएंगे वो उसमें ऐड हो जाएंगे। यानी कुल मिला के जो आपकी टू डू लिस्ट बनेगी वो डायनेमिक इन नेचर है, घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी और ऐसे ही आपका आगे काम होता रहेगा। अब एक बहुत ही अच्छे टाइम मैनेजमेंट के गुरु हुए हैं जिनका नाम है मिस्टर पीटर ड्रकर, टाइम मैनेजमेंट गुरु, वन ऑफ द ग्रेट। तो ये एक क्लेम करते हैं, ये एक बात कहते हैं कि टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एंड इफ वन कैन नॉट मैनेज टाइम ही कैन नॉट मैनेज एनीथिंग एल्स। क्या आपको लगता है कि ये कथन आपके परिपेक्ष में सत्य है? यदि आप अपने आप को मैनेजर कहलवाते हैं और आप टाइम का मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो आप मैनेजर कहलवाने के ही हकदार नहीं हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्रेट पीटर ड्रकर जी कह रहे हैं। मिस्टर पीटर ड्रकर सेज इफ वन कैन नॉट मैनेज टाइम ही कैन नॉट मैनेज एनीथिंग एल्स। इट मींस इफ वी वांट टू से आवरसेल्फ एज गुड मैनेजर वी मस्ट लर्न हाउ टू मैनेज आवर टाइम। और टाइम मैनेजमेंट एक टॉपिक है जो प्योर साइंस नहीं है, H2SO4 का फार्मूला नहीं है, ये अनुभवों पर आधारित एक ऐसी लाइन है जो एक जनरेशन ने अपने नियम बनाए, उनको कसौटी पे कसा और फिर वो नियम अगली जनरेशन को ट्रांसफर कर दिए। अगली जनरेशन ने अपनी कुछ नए नियम बनाए वो भी उसमें डाल दिए, यानी कि अनुभवों को बढ़ाते 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 की सारी बातें जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती गई। तो हो सकता है कुछ ऐसे नियम हों जो यूनिवर्सल हों, जो आप पर और मुझ पर बिल्कुल अक्षरशः लग जाएं। हो सकता है किसी से आपको ज्यादा फायदा हो सकता है किसी नियम से आपको कम फायदा हो सकता है कुछ आपके अपने एक्सक्लूसिव नियम हों जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बने हैं, आपके द्वारा ही बनाए जाएंगे। हो सकता है मेरे द्वारा बनाए गए नियमों का आपको लाभ ना हो, क्योंकि ये प्योर साइंस नहीं है, ये अनुभवों पर आधारित एक ज्ञान है। तो ये पहली बात समझ लेनी चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस। फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह ये प्योर साइंस नहीं है, ये सोशल साइंस है, सोशल इंजीनियरिंग है। तो इसमें अपने अनुभवों का बहुत ज्यादा लाभ है और दूसरों के अनुभवों का भी लाभ उठाया गया है, क्योंकि सीखने के दो खास तरीके होते हैं। एक, वी कैन लर्न फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंसेस एंड सेकेंड, वी कैन लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस। तो दूसरे के अनुभव से भी सीखा जा सकता है, अपने अनुभव से भी सीखा जा सकता है। अगर हम अपने अनुभव से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 500 साल की जिंदगी चाहिए, क्योंकि सब कुछ अगर हम खुद ही करके देखेंगे तो उसके लिए हमें समय चाहिए। और दूसरा तरीका है कि किसी अच्छे व्यक्ति ने किसी
विश्वसनीय व्यक्ति ने, विश्वसनीय स्रोत ने कोई नियम बनाया जो उसने ईमानदारी से फॉलो किया था और उससे उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, वो बात उसने आगे अपनी दूसरी जनरेशन को बता दी कि ऐसा करने से ये लाभ होता है या ये हानि होती है। तो जनरेशन का क्या फर्ज है कि अगर वो सोर्स रिलायबल है, विश्वसनीय है, तो आप उसकी बात को एज इट इज मान सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये बात इससे नुकसान होता है तो आप उस बात को अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन एक्सपीरियंस एड ऑन होते हैं। चलिए शुरू करते हैं, हम आत्मावलोकन की बात करते हैं। अपने आप से पूछिए इन शब्दों को, इन प्रश्नों को कि आप कौन हैं। यदि आपको अपनी प्रकृति के बारे में ज्ञान हो जाए कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं, तो आप अपने लिए कुछ नए नियमों का प्रतिपादन कर पाएंगे। यू कैन एस्टेब्लिश योर ओन रूल्स इफ यू नो व्हाट यू आर। तो आप अपने आप को जानने के लिए, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ प्रश्नों की बात कही है, आप थोड़ा और मंथन करें, आप थोड़ा और समय लगाएं और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आप अपने बारे में अच्छे से अच्छा जान रहे हैं, और जब आप अपने को जान जाएंगे तो अपने लिए अच्छे नियमों को बना सकेंगे। जैसे आप अपने से पूछ सकते हैं कि डू यू हैव डिफिकल्टी इन सेइंग नो टू ए रिक्वेस्ट फॉर योर टाइम। यदि कोई आपसे समय मांगता है, कोई व्यक्ति आया, आप किसी काम में मसरूफ थे, किसी काम में बिजी थे, वो आया और आपसे आपका समय मांग रहा है कि चलो चलिए घूम के आते हैं। आप बहुत मसरूफ हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, लेकिन आपसे, क्योंकि आपका बिल्टअप इस प्रकार का नहीं है, तो आपसे उस व्यक्ति को इनकार नहीं किया गया। अगर आपको उस व्यक्ति से इनकार नहीं किया गया है तो आप ये मानिए कि आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कैरेक्टरिस्टिक अच्छा है या बुरा है, ये गुण या अवगुण की तरह हम इसको स्टडी नहीं कर रहे। अगर आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये गुणधर्म है, तो आप उसके ऊपर विचार कीजिए कि इस गुण से, इस कैरेक्टरिस्टिक से आपको नुकसान ज्यादा हो रहा है कि फायदा ज्यादा हो रहा है। सिर्फ इतनी ही बात हमने करनी है। अगर आप काम करते करते हर व्यक्ति के आने पर उससे खूब सारी बातें करते हैं, क्योंकि आपको उसे इनकार करना नहीं आता, या वो आपको लेके जाता है ऑफ द सीन, उस जगह से दूर, तब भी आप आराम से चले जाते हैं, तो यकीन मानिए आपकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, क्योंकि आप अपने काम को समय पर खत्म नहीं कर पाएंगे और हमेशा ओवरलोडेड रहेंगे। तो अब इलाज क्या है? कोई तो इलाज होगा। हाँ, इलाज है, यू जस्ट लर्न हाउ टू से नो। यानी अब आपका इलाज, यानी इस चीज से, अगर आप नो नहीं कह सकते, मींस यू आर हैविंग इनएबिलिटी टू से नो, यानी कि ना कहने की असमर्थता है, तो आपसे क्या रिक्वेस्ट है कि आप लर्न करें हाउ टू से नो। ना ब्लंटली भी नहीं कह देना कि आपके पास कोई आया, आपने उसे कहा चलो भाई खड़े हो जाओ, आप मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आए हो और आप यहाँ से जाइए, तो ऐसा करने से तो सारे के सारे दोस्तियां, सारे के सारे संबंध विच्छेद हो जाएंगे, दोस्तियां टूट जाएंगी। तो क्या कहना है? आपको ना कहने की कला भी आनी चाहिए। किस तरह से इनकार किया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यस, आई एम वेरी सीरियस कि अगर आपको अपना समय बचाना है तो आपको इनकार करना आना चाहिए। तो इनकार करने के लिए आप एक खास तरीके से इनकार कर सकते हैं ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आप पूछेंगे कि कैसे कैसे हम इनकार कर सकते हैं, तो उसके लिए उत्तर क्या है? उसके लिए उत्तर क्या है कि आप सीखें कि इनकार कैसे किया जाता है, और उसके लिए खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस का मतलब आपको अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उसको डील करना आना चाहिए। कोई मुझसे भी पूछता था तो मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं था कुछ समय पहले तक, लेकिन हाँ, अब मेरे पास एक बहुत अच्छा इस स्थिति को निपटने का उत्तर है। देखिए, आपके पास एक काम है जिस काम में आप बिजी हैं। आपका कोई दोस्त आया या ऑफिस में काम करने वाला आपके पास आया कि चलो यार चाय पी के आते हैं, ठीक है, स्थिति ये है। अब आपके पास संस्कार कुछ इस तरह से हैं कि आप उसको इनकार नहीं कर पाते। क्या करेंगे आप? सिर्फ उसको ये बता दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, मींस सिर्फ सच बोलना और कुछ नहीं करना। आप देखिए कितना आसानी से ये स्थिति निपटाई जा सकती है। आप उसे ये सच बता दीजिए कि भाई ये जो काम मैं कर रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट काम है और ये मैंने बॉस को अभी 15 मिनट बाद देना है। अब देखिए, सिर्फ आपने सच बोला है, बाकी का काम अपने आप उसकी रिस्पॉन्सेज के हिसाब से तय हो जाएगा।
इनकार करना सीखना नहीं पड़ेगा। देखिएगा, आगे हम इसी कहानी को लेकर चलते हैं और इसकी एनेक्टमेंट करते हैं कि किस तरह से वो व्यक्ति जैसे जैसे रिस्पॉन्स देता जाएगा, आपको आगे का रास्ता अपने आप दिखता जाएगा। आपने क्या किया अभी तक? सिर्फ सच बोला है कि आप एक इम्पॉर्टेंट काम में लगे हुए हैं और ये इम्पॉर्टेंट काम आपने अभी 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद अपने बॉस को अभी पहुंचाना है। मान लेते हैं वो व्यक्ति, रिस्पॉन्स नंबर वन उसके लेते हैं, मान लेते हैं वो व्यक्ति आपके पास फिर भी कहता है कि यार ऐसा कर, छोड़ ना यार, तू काम तो होता ही रहता है, चल चाय पी के आते हैं। तो आप समझ जाइए कि उसे आपकी कोई चिंता नहीं है, यानी वो आपका सच्चा और अच्छा दोस्त नहीं है। ये याद रखिए कि हर हाथ मिलने वाला जो व्यक्ति होता है वो दोस्त नहीं होता। परिचित हो सकता है, कलीग हो सकता है, लेकिन दोस्त अलग परिभाषा होती है। इसका मतलब उसने आपका ध्यान नहीं रखा, वो आपकी इज्जत, आपकी बेइज्जती, आपकी रिस्पेक्ट उसका ध्यान नहीं रख रहा, तो आप भी उसका ध्यान ना रखें। यानी आप उसे कह सकते हैं मजबूत शब्दों में कि नहीं, मैं पहले काम करूंगा, उसके बाद फिर मैं कहीं और जाने की सोचूंगा, अभी फिलहाल आप जाइए। क्योंकि अब उसने इतनी शक्ति आपको दे दी है, वो आपका ध्यान नहीं रख रहा है, तो आपको भी उसका ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ये उसकी रिस्पॉन्स के हिसाब से आपने उत्तर दिया। दूसरी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स नंबर दो, हो सकता है जैसा काम आपके पास है लगभग वैसा ही काम उस व्यक्ति ने अपनी सीट पे किया हो, क्योंकि आप कलीग हैं, एक ही बॉस है आपका, तो वो लगभग वैसा ही काम अभी निपटा के आया है। तो वो आपको कह सकता है कि भाई ऐसा कर, ये काम तो मैंने अभी निपटाया है, ये ऐसे ऐसे होता है, आजा मैं तेरी हेल्प करता हूँ। वो 20 मिनट का काम 10 मिनट में हो जाएगा। आप 10 मिनट में वो काम निपटाएं, बॉस को सौंपें और उसके बाद आप उस व्यक्ति के साथ जा सकते हैं, कोई मना नहीं है। हम चाय के दुश्मन नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप किसी ऐसे नेट में ना फंस जाएं जहां पे आप ओवर बिजी दिखाई दे, टाइम मैनेजमेंट में किसी जगह पे एंटेंगल्ड दिखाई दे। यानी चाय जरूर पीजिए, दोस्ती जरूर निभाइए, लेकिन काम के बाद। और तीसरा ये रिस्पॉन्स हो सकता था कि वो मान लेते हैं कि इस तरह का काम नहीं कर सकता था, वो आया आपके पास, आपने उसे बता दिया कि 15-20 मिनट बाद मुझे अपने बॉस को काम देना है, तो वो क्या कहेगा? अगर वो वास्तव में आपका दोस्त है तो वो यही कहेगा, हाँ भाई चाय तो फिर हो जाएगी, तू काम निपटा और मैं फिर कभी आ जाऊंगा, और कह के वो चला जाएगा। अब आप देखिए, तीनों स्थितियों में आपका समय बचा, काम हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रहा, और यही बात आपने अपने ऊपर कई अलग अलग कंडीशंस पे लगानी है। तो एक मेथड आपने डेवलप कर लिया कि से व्हाटएवर इज ट्रुथ, सच बोलिए, अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे। अब अपनी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक को भी स्टडी कर लीजिए। डू यू हैव अ टेंडेंसी टू प्रोक्रास्टिनेट? क्या आप में टाल मटोल करने की आदत है? क्या आप में काम को पेंडिंग करने की आदत है? क्या आप में काम को डेफर करने की आदत है? ये विचार करना है आपने अपने रूटीन को देखकर। हो सकता है आप में ये आदत हो सकता है आप में आदत ना हो, कोई बात नहीं। अगर आप में ये आदत है कि कोई भी काम आया उसे रख दो भाई, हम इसे फिर निपटाएंगे, आप कर भी सकते थे, खाली बैठे थे, लेकिन नहीं, हम एक बहुत बड़े बॉस हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आने दो, रखते जाओ, हम काम निपटाएंगे बाद में। तो आप यकीन मानिए, आपकी स्थिति बिल्कुल यही हो जाएगी कि आपके पास वर्क पाइल अप होता रहेगा और अल्टीमेटली आप ओवर बिजी रहेंगे। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बहुत ही आसान, प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत का एक रामबाण इलाज है, एक अचूक इलाज है, डू इट नाउ, ये रूल है। इस रूल का अनुसरण करके, डू इट नाउ, द वर्क विच यू कैन फिनिश, डू इट नाउ इज द रूल, DIN, दिन निकल आएगा आपकी जिंदगी में अगर आप डू इट नाउ का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब भी आपके पास कोई काम आया, आपने उसको उसी समय निपटा दिया यदि आप खाली हैं तो, या फर्स्ट मोमेंट पे जैसे ही काम आता है आप उसे उसी समय निपटा दीजिए, एंड दैट्स इट। ये है प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने का तरीका, इसमें आपका काम पाइल अप नहीं होगा। और इसके आगे देखते हैं, आप अपने आप को स्टडी कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है, कैसे आप बेहतरीन टाइम मैनेजर बन सकते हैं, कैसे आप हाईएस्ट अचीवमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो एक प्रश्न और अपने आप से पूछिए, डू यू कीप टाइम लॉग? क्या आप टू डू लिस्ट बनाते हैं? क्या आप डेली रूटीन के कामों को लिख के चलते हैं? क्या आप एक डायरी बनाते हैं? यदि आप एक डायरी बनाते हैं, यदि आप टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो यस,
यू आर गोइंग टू अचीव द हाईएस्ट इन योर लाइफ। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि जो लोग ये जानते हैं कि उनका टाइम कहाँ जा रहा है, मींस टाइम ऑडिटिंग उन्हें पता है, वो जिंदगी में हाईएस्ट अचीव करेंगे। अगर आप भी उनमें एक हैं तो डेफिनेटली आप भी अपनी जिंदगी का हाईएस्ट अचीव करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक है, डू यू शो सिम्टम्स ऑफ परफेक्शनिज्म। क्या आप में परफेक्शन की आदत है? क्या आप में परफेक्शन की आदत है? ये आप प्रश्न अपने आप से पूछिए। ये कोई बुरी बात नहीं है। जितने भी गुणों की हम बात कर रहे हैं इनमें कोई भी बुरा नहीं है। सिर्फ एक ही बात है कि उस पर विचार कीजिए, कहीं वो आपको टाइम मैनेजमेंट में पीछे तो नहीं कर रहा, कहीं आपकी स्थिति को खराब तो नहीं कर रहा। तो परफेक्शनिज्म एक बुरी आदत नहीं है, ये एक व्यक्ति का गुण है। लेकिन इस गुण की वजह से अगर आपका लाभ ज्यादा हो रहा है तो आप उसे मेंटेन कीजिए, और अगर आपकी हानि ज्यादा हो रही है तो आप उसे अमेंड कीजिए। यानी अगर आपको बेनिफिट ज्यादा है, मेंटेन दैट कैरेक्टरिस्टिक, और इफ लॉस इज मोर, रिमूव दैट और अमेंड दैट। ये चीजें आपको विचार करके चलनी है। सबसे पहली बात, परफेक्शनिज्म है क्या? किसी भी काम को एक बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की जो तरीका है या चाहत है या किसी के अंदर खूबी होती है, तो इसको आप कहते हैं कि हाँ भाई वो व्यक्ति परफेक्शनिस्ट है। जैसे आपने देखा एक फिल्म बनी थी बहुत साल पहले, मुगले आजम। देखा, नाम सुनते ही आपको सारे सीन याद आ गए। शहजादा सलीम याद आ गया, बादशाह अकबर याद आ गए, अनारकली याद आ गई, मधुबाला भी याद आ गई, और दिलीप साहब भी याद आ गए, पृथ्वीराज कपूर साहब भी याद आ गए। लेकिन ये सारे के सारे किरदार जिस व्यक्ति ने जोड़े थे, यानी कि डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, क्या आपको उस व्यक्ति का नाम याद है? ये उस व्यक्ति के पागलपन की पहचान है कि ये फिल्म आज भी आपको और मुझे याद है। और ये व्यक्ति थे के आसिफ, वो भी एक परफेक्शनिस्ट थे। एक जानकारी के अनुसार 14 साल इस फिल्म को बनने में लगा था। 3-3.5 घंटे की जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको बनाने में 14 साल। क्या क्या मसाला, क्या क्या मेहनत, क्या क्या एक एक सीन के अंदर जान डाली गई है, ये उस व्यक्ति की परफेक्शनिज्म का नमूना है। तो परफेक्शनिज्म बुरी चीज नहीं है, वो जिंदगी में आपके अंदर हमेशा होता है, लेकिन आपको उसे किस हद तक बियर करना है, किस हद तक आप उसको सह सकते हैं, बस उतना ही। उसके बाद भी कई परफेक्शनिस्ट लोग हुए हैं, और अपने आसपास की दुनिया में भी आप मिस्टर आमिर खान को भी एक परफेक्शनिस्ट मानते हैं। बहुत सारे और भी अच्छे कलाकार हैं जो परफेक्शनिस्ट हैं, जो पहले एक एक कैरेक्टर के अंदर पूरी तरह से प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद उस कैरेक्टर के हिसाब से परफॉर्म करते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट एक्टर्स, इसके अलावा भी आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अपने आसपास आप निगाह दौड़ा के देखेंगे कि जो हर काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम देते हैं, तो ये सब परफेक्शनिस्ट हैं। परफेक्शनिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, मैंने पहले भी कहा, अब भी मैं यही बात फरमा रहा हूँ। तो बात क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है कि आप ये विचार करें कि क्या इस आदत से हमें फायदा ज्यादा हो रहा है कि नुकसान ज्यादा हो रहा है। अगर फायदा ज्यादा है तो मेंटेन कीजिए, और नुकसान ज्यादा है तो रिमूव कीजिए। दो ही बातें हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक परफेक्शनिस्ट क्या करता है। परफेक्शनिस्ट कोई भी काम लेता है उसको एकदम बेहतरीन तरीके से अंजाम देता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं एक ऑफिस में दो दोस्त काम करते हैं एक ही बॉस के साथ। बॉस ने लगभग एक व्यक्ति को एक काम दिया, दूसरे को भी वैसा ही मिलता जुलता काम दिया। जो ऑर्डिनरी नेचर का व्यक्ति है वो काम को लेगा, 10-15 मिनट में करके दे देगा। दूसरे व्यक्ति जिसमें परफेक्शनिज्म की आदत है उस काम को लेगा, बहुत ही इत्मीनान से उसको डिटेल में करने की कोशिश करेगा, बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो हो सकता है उस काम को आधे घंटे में करके दे के आए। 15 मिनट में करने वाले को भी डांट नहीं पड़ी, उसका भी काम हो गया। आधे घंटे में करने वाले को भी डांट नहीं पड़ी, उसका काम भी हो गया। लेकिन आप में अगर सारे ही काम इस तरह से करने की आदत है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके पास वही स्थिति आ जाएगी जिसको कि आप देख रहे हैं। वर्क पाइल अप होता रहेगा और अल्टीमेटली आप जरूरत से ज्यादा बिजी रहेंगे।
यदि आपके पास समय बहुत है तब तो आप इस आदत को मेंटेन कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय की कमी है और फिर भी आप इसी आदत के साथ चल रहे हैं तो आप हमेशा टाइम प्रेशर में रहेंगे। तो इसका इलाज क्या है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। एक नियम, एक रूल आपके साथ शेयर करते हैं। इन जनरल एक नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस परफेक्शनिज्म की आदत को जानने के लिए। इन जनरल ओनली गुड इज सफिशियंट, बेस्ट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। आमतौर पर केवल गुड से ही काम चल जाता है, हर काम को बेस्ट तक लेके जाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको ये नियम समझ आ गया तो बस बहुत ही आसान, इस नियम के हिसाब से आपके पास कोई काम आया, हर काम को बेस्ट तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है, यानी कि हर काम में एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, हर काम में एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। बस मैं गुड कह रहा हूँ, बैड नहीं कहा मैंने। ओनली गुड इज सफिशियंट, यानी काम आपके पास आए, गुड करें और आगे बढ़ा दें। बेस्ट के चक्कर में हर बार नहीं पड़ना, पड़ेंगे तो आपका काम पाइल अप होता रहेगा। तो ये है एक एडवाइस। तो इसी तरह से जैसे हमने आपके सामने कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप ही के अंदर सकती हैं, या इसी प्रकार की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक जो आपके अंदर हो, आपको लगता है, आप उसे स्टडी करें और उनको प्रोज एंड कॉन्स जान के उसे दूर कैसे करना है, उसके कुछ रूल्स बनाए, तभी आप अपनी टाइम मैनेजमेंट की रूटीन बना पाएंगे। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। आई एम नॉट सेइंग ओनली दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी चीजें और भी हैं जिनको कि आपको स्टडी करना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो ऐसे ही बहुत लंबे प्रश्नों की आप फहरिस्त बना सकते हैं, अपने ऊपर समय लगाइए और अल्टीमेटली यू विल सी द टाइम इज इम्प्रूविंग यू। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट? द पीरियड ड्यूरिंग विच एक्शन और प्रोसेस कंटिन्यूज इज टाइम। अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स थ्रू सेल्फ एंड अदर्स इज मैनेजमेंट। अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स विद मैक्सिमम रिजल्ट्स एंड मिनिमम कॉस्ट इज इफेक्टिवनेस। तो हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में इफेक्टिवनेस के साथ टाइम मैनेजमेंट नाम का जो चैप्टर है वो जुड़ जाए, यानी आपके नियम कुछ इस प्रकार से होने चाहिए कि कम से कम मेहनत आपकी लगे और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। चलिए आपकी हेल्प करते हैं और शेयर करते हैं कि हम कुछ ऐसे रूल्स आपके साथ बताएंगे कि जिन रूल्स को अगर आप अपनी रूटीन को बनाते हुए ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहले इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट को अगर आपने अपनाना है तो आप उसके 3 P's के बारे में जरूर जान लें। इफ यू नो अबाउट 3 P's ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट देन डेफिनेटली योर टाइम इज गोइंग टू बी सेव्ड, बहुत समय बचेगा आपका। तो पहला P है प्लानिंग, ये आपको पता होना चाहिए, और इसमें आपकी जिंदगी का जो गोल है या ज्यादा भी हो सकते हैं उन गोल्स को निश्चित किया जाता है। गोल फाइनेंशियल गोल्स भी हो सकते हैं, गोल्स स्पिरिचुअल गोल्स भी हो सकते हैं, गोल्स फाइनेंशियल सोशल गोल्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं, मिड टर्म गोल हो सकते हैं, यानी कि कुछ भी जो आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो सब इस P यानी प्लानिंग के तहत निश्चित किया जाता है। उसके बाद दूसरा P जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और वो दूसरा P क्या है, प्रायोरिटाइजिंग, यानी कि आपने जितने भी काम जिंदगी में करने हैं उनको आप एक वरीयता सूची के हिसाब से कि पहले कौन सा काम करना है, फिर कौन सा काम करना है, एंड सो ऑन। और इसके बाद जो तीसरा P है जिसको आपको पता जरूर होना चाहिए वो है प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल करना। आप कहेंगे जी टाल मटोल करना भी जरूरी है क्या? मैं आपसे टाल मटोल करने को नहीं कह रहा, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोक्रास्टिनेट कब और किसे करना है। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट P इज प्लानिंग। इस प्लानिंग में आपसे कहा जाए कि आपका गोल क्या है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका गोल क्या है? यस। चलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक मिनट का पॉज ले लें और इस पॉज के अंदर आप अपनी जिंदगी का गोल लिखें। टेक ए पॉज, प्लीज डू राइट गोल ऑफ योर लाइफ और वट एवर इमीडिएट गोल इज देयर। ये जो समय आपको मिल रहा है इसमें आप पॉज लेकर अपनी कलम उठाइए और अपना एक गोल लिख दीजिए। आई विल नॉट आस्क व्हाट यू हैव रिटन,
I will only see whether you have written or not. Please do that. This is very, very important. This is essential. So do write something which you can say is your goal. Okay, आपने लिख लिया. Very nice. देखिए, planning जब शुरू होती है तो पहला हिस्सा है time management. और time management में हर जीव, हर प्राणी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपना goal निर्धारित करता है. आपने भी गोल अपना निश्चित किया है. गोल कितना भी बड़ा क्यों ना हो सकता है, लेकिन उसकी एक ही खासियत है, क्या? राइट इट क्लियरली, उसे सुस्पष्ट लिखें, एकदम साफ साफ तौर पर लिखें. और इसीलिए हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना गोल लिख लें. अगर आपने लिखा था तो यकीन मानिए उसके पूरा होने की संभावना काफी बढ़ गई है. अभी आगे जो बातें आपके साथ शेयर होंगी वो भी उसी तरफ आप इशारा कर रही हैं. पहले नंबर पे जब हमने शुरुआत की है तो आपने लिखा है गोल. एक विचारक हैं मिस्टर जॉन कैनरी, बड़े रिस्पेक्टेबल रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर. ये बताते हैं कि किन लोगों के गोल पूरे होते हैं, किन लोगों के गोल पूरे होते हैं. पहला, अगर उन लोगों को पता है व्हाट यू वांट, यानी कि उन्हें क्या चाहिए. यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे क्या चाहिए, यानी जैसे अभी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लिखिए कि आपको क्या चाहिए, तो गोल उनके पूरे होते हैं जिनको ये पता है कि उन्हें क्या चाहिए. पहली कैरेक्टरिस्टिक यही है. दूसरी, व्हाई यू वांट, यानी इस गोल को आपकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस प्राप्त है. यानी अगर ये पूरा नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी में खालीपन सा रह जाएगा. अगर ये पूरा नहीं हुआ तो जिंदगी के कोई मायने नहीं है. अगर इतना मोटिवेटिंग है ये गोल तो यस, इसके पूरे होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. और तीसरी बात, व्हेन यू वांट, यानी आपको ये गोल कब पूरा करना है, यानी आपके लिए एक डेडलाइन. और इसके अलावा आपने कुछ भी लिख लिया वो पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है. कई लोग ऐसा जरूर कहते हैं कि आप कुछ भी लिख लीजिए वो पूरा हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता. उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसकी, जॉन कैनरी जी की, मैं यही मान के चलता हूं कि एक आइडिया अगर आपके पास है कि कैसे ये पूरा होने वाला है तो आपका गोल पूरा होने की पॉसिबिलिटी है. अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो एक ड्रीम है, गोल नहीं है. ड्रीम है, पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर वो आपके पास एक आइडिया है काम होने का, तो यस इट कैन बी अकम्प्लिश्ड. तो कुल मिला के अगर आपके पास ये निश्चित है व्हाट यू वांट, व्हाई यू वांट, व्हेन यू वांट, और उसको पूरा करने का एक आइडिया, एक प्लान जिससे कि आपको ये प्राप्त हो जाए, तो आपका गोल डेफिनेटली पूरा हो जाएगा. अब आप देखिए कि जो आपने लिखा है क्या उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है. और उसके अलावा गोल्स की खासियत आपके सामने है. गोल्स आर मोटिवेटिंग, गोल्स आर स्मार्ट. इन दो बातों को बहुत ध्यान से देखें. मोटिवेटिंग मींस वो इतने ज्यादा आकर्षक हैं, इतने ज्यादा प्रेरक हैं कि आप उनको पूरा करने में अगर कोई तकलीफ भी आती है तो आप उसको सह जाएंगे. इतना ज्यादा उनके अंदर कशिश होनी चाहिए कि अगर जो चीज आपने लिखी है अपने कागज पर और आपको लगता है कि ये पूरी नहीं हुई तो जिंदगी को जीने का कोई मतलब ही नहीं है, तो समझ लीजिए ये मोटिवेशनल है, ये पावर गोल है, ये आपको ड्राइव करेगा मंजिले मकसूद की तरफ. और अगर आप इसके अंदर कोई आकर्षण आप नहीं देखते तो समझ लीजिए आपने कुछ भी चंद शब्द लिख लिए थे वो आपका गोल नहीं है. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, गोल्स आर स्मार्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट? हर लेटर का एक मीनिंग है. एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर रियलिस्टिक एंड टी टाइम बाउंड. जो भी आपने चाहा है गोल्स के तौर पर वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे लिखा होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए. मेजरेबल मींस कि किन कसौटियों के बाद आप ये जानेंगे कि ये पूरा हो गया. ए फॉर अटेनेबल, यानी कि वो आपका प्राप्य भी होना चाहिए. और इसके बाद रियलिस्टिक है, यानी कि जो भी आपने लिखा है वो वास्तविकता के धरातल पर खरा उतरना चाहिए. और जो भी आपको चाहिए वो एक टाइम बाउंड होना चाहिए. अगर आपने ये सारी चीजें अपने सामने रख ली हैं और आप चाहते हैं
कि ये सब पूरी हो जाए तो डेफिनेटली इट कैन बी अकम्प्लिश्ड। तो गोल्स कैसे होते हैं? मोटिवेटिंग एंड स्मार्ट, और स्मार्ट में एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड। यानी ये सारी करेक्टरिस्टिक अगर आपके पास हैं तो आप ये बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं कोई भी गोल। एक और विचारक हैं जिनका नाम है मिस्टर बॉब प्रॉक्टर। बॉब प्रॉक्टर वो कहते हैं वी थिंक इन पिक्चर्स। यानी अगर आपने कोई चीज सोची है कि ये चीज पूरी हो जानी चाहिए या कोई गोल पूरा हो जाना चाहिए, तो उस गोल को यदि हम पिक्चर की शेप में ले लें तो आपका ये गोल पूरा होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आप कहेंगे जी हम कोई एमएफ हुसैन थोड़ी हैं कि हम अपने गोल को चित्रों में चेंज कर लें, तो उसके लिए रास्ते बहुत हैं। आपको पता है कि आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप अपने गोल से मिलती जुलती चित्र उतारें और उसके ऊपर चस्पा करें, अपना गोल लिखें और अपने सामने लगा लें, हर रोज देखें, आप देखिएगा कि आपको मोटिवेशन काफी ज्यादा मिलेगा। यानी कि वी थिंक इन पिक्चर्स, और पिक्चर्स ज्यादा पावरफुल टूल है हमारी एनर्जी को एनर्जाइज करने का, हमारी गोल्स की तरफ हमें आकर्षित करने का। आप कहेंगे जी कैसे? उदाहरण देते हैं, मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने यहाँ घूमने जाना है, इस स्थान की पिक्चर निकाल के उसके ऊपर लिख लीजिए कि इस डेट को इस तरीके से मुझे यहाँ घूमने के लिए जाना है। यदि ये वास्तव में आपका गोल है, आपने बड़ी शिद्दत के साथ लिखा था, तो ये पूरा हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लिख लीजिए तो पूरा होगा। अगर आपने यहाँ घूमना था तो ठीक, कहीं और घूमना है मान लीजिए यहाँ, तो आप यहाँ की पिक्चर निकालें और उस पर डेट डाल दें कि मुझे इस डेट को यहाँ घूमने जाना है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने कहा मुझे कार चाहिए, तो क्या ये उसका गोल हो सकता है? यस और नो, ये बात आप सोचें। सबसे पहले विचारकों का विचार ये है कि अपने जितने भी गोल्स हैं उसे आप प्रेजेंट टेंस में महसूस करें, यानी कि ऐसा महसूस करें कि ये तो सब पूरे हो ही चुके हैं, आपके सामने हैं और आप आज इसको अपने गोल को पूरा हुआ देख रहे हैं। उदाहरण लिया हमने कि मान लेते हैं आपने एक कार के बारे में सोचा है, ये कार ऐसा सोचें कि ये सामने खड़ी है, इसको आप फील कर रहे हैं, इसके अंदर राइड करके देखिए, बैठ जाइए, ड्राइवर चलाएगा, ऐसा आप प्रेजेंट टेंस में महसूस कीजिए। और अगर आपको खुद ड्राइव करनी आती है तो खुद ड्राइव करके देखिए, एक नई कार की खास सुगंध होती है, उस सुगंध को महसूस कीजिए, यानी अपने गोल के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। अगर आपने अपने आप को जोड़ लिया तो यस यू कैन हैव इट। विचारक ये कहते हैं कि आप अगर महसूस कर रहे हैं उसके साथ जुड़ाव, तो आपका ये गोल पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं ना कि यदि आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है, तो यही बात यहां भी लागू होती है। तो यहां आपकी जो लेफ्ट और राइट ब्रेन है उसको एनर्जाइज किया जा रहा है। अब आप ये कहेंगे ये लेफ्ट और राइट ब्रेन क्या है? देखिए बहुत ज्यादा विज्ञान नहीं, सिर्फ हम इस टॉपिक के परिप्रेक्ष्य में जितनी बात जानकारी चाहिए बस उतना ही हम इसमें ज्ञान डालेंगे। माइंड के दो हिस्से माने गए हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिकल जो ऑपरेशंस हैं उसको डील करने में काम आता है, और राइट ब्रेन जो है वो क्रिएटिव या इनोवेटिव कामों को करने में काम आता है। अब लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल क्या मतलब? जैसे अगर आपके पास एक पेंसिल 10 रुपए की आती है तो 100 रुपए में कितनी आएंगी? तो लॉजिक लगाया कि 10 रुपए की एक, 100 रुपए की 10, बात खत्म, ये लॉजिक हो गया। अगर आपसे इस समय कोई रिक्वेस्ट करे लेट अस एज्यूम यू आर स्टैंडिंग एट द सरफेस ऑफ मून, तो आपने कहा ठीक है सोच लेते हैं, सोचने में क्या है, आपने अपने आप को मून के सरफेस पे सपोज कर लिया। हमने आपको कहा ऐसा कीजिए, आप सपोज कीजिए कि आप एक एरोप्लेन में उड़ रहे हैं और वो एरोप्लेन इस समय अमेरिका की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के ऊपर से गुजर रहा है। आपने कहा ठीक है जी एज्यूम कर लेते हैं। हमने आपसे कहा कि आप एक सबमरीन पनडुब्बी में हैं, आप उसके अंदर समुद्र के अंदर मूव कर रहे हैं, उसकी जो दीवारें हैं वो कांच की बनी हुई हैं और आसपास आपको समुद्री जीव जो है सी या एक्वेटिक एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, आप उन्हें आनंद से देख रहे हैं, आप महसूस कीजिए।
आपने कहा ठीक है जी, महसूस कर लिया। तो ये दोनों बातें, अब आप देखिए, आपने पेंसिल वाला आंसर भी दिया था और आपने ये बातें भी हमारी मानी थी। अगर आपके पास केवल लेफ्ट ब्रेन होता, लॉजिकल ब्रेन होता, तो आप कभी भी ये एज्यूम नहीं कर पाते कि मैं जब चांद पे गया ही नहीं तो चांद के सरफेस पे मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ। आप एरोप्लेन में बैठे ही नहीं तो अमेरिका के चक्कर कैसे लगा लिए। सब मैरीन में बैठे नहीं तो आपने एक्वेटिक एनिमल कैसे देख लिया। अगर आपने ये सब एज्यूम कर लिया था तो आप यकीन मानिए आपके अंदर राइट ब्रेन भी काफी एक्टिव है। यानी लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल आंसर्स के लिए, राइट ब्रेन क्रिएटिव या इनोवेटिव चीजों के लिए। और जिन लोगों के अंदर ये दोनों बैलेंस्ड हैं वो भी अच्छे हैं। जिनमें लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है वो लॉयर या स्टेटिस्टिशियन के अलावा आप जो कैलकुलेशन वाले काम है वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और जिनके अंदर राइट ब्रेन ज्यादा पावरफुल है, डोमिनेंट है, वो क्रिएटिव होते हैं। यानी कवि, पेंटर, गिटारिस्ट, म्यूजिशियन, तो इस तरह के जो उनकी नेचर है वो राइट ब्रेन को डिपिक्ट करती है। तो ये कुल मिला के अपने को जानने का एक बहुत अच्छा तरीका भी है। तो आप लॉजिकल और क्रिएटिव इन दोनों ब्रेन का इस्तेमाल करें और अल्टीमेटली देखिएगा कि आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो काफी हाई रहेंगी। अगर आपके पास कार कोई और पसंद है तो आप उसका चित्र भी अपने सामने लगा सकते हैं। देखिए, वैरायटी हमारे पास बहुत है। उस कार के अंदर बैठिए, पूरा 360 डिग्री में देखिए कि उसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए। कोई भी इंटीरियर हो आप उसको महसूस कीजिए। मान लीजिए अपने घर के बारे में आप सोचते हैं तो घर कैसा होना चाहिए उसके बारे में देखिए। घर की दूसरी वैरायटी भी हो सकती है। किसी को पैसा चाहिए तो कितना चाहिए। एक बात सच है कि जब आपका गोल पूरा होता है तो आप अपने आप को रिवार्ड देते हैं, इनाम देते हैं। तो ऑन कंप्लीशन ऑफ ए गोल यू रिवार्ड योरसेल्फ। इस बात को ध्यान रखें, ये एक नियम है। यानी कि अपने आप को खुशी दीजिए, एक सेलिब्रेशन कीजिए। सेलिब्रेशन में आप कहीं घूमने जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, आपके लिए तीन खास नियम एक एक करके शेयर करेंगे। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के ये तीन नियम हैं और ये नियम आपके लिए आपके टाइम मैनेजमेंट के रूटीन को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और मुझे विश्वास है कि इससे आप अपनी टाइम मैनेजमेंट की एक बेहतरीन रूटीन बना पाएंगे। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल नंबर 1, उसका नाम है पेरेटो प्रिंसिपल। इटली के एक इकोनॉमिस्ट मिस्टर विल्फ्रेडो पेरेटो 1905 उन्होंने अपनी कंट्री की सारी वेल्थ को स्टडी किया और ये पाया कि मोस्ट ऑफ द वेल्थ इज एक्युमुलेटेड विद ओनली हैंडफुल पीपल। इसको उन्होंने और ज्यादा डिटेल में देखा तो उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि 80% ऑफ द वेल्थ वॉज कंसंट्रेटेड विद ओनली 20% ऑफ द पीपल। 80% वेल्थ 20% पीपल के साथ कंसंट्रेटेड थी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था, उन्होंने इसे पब्लिश कर दिया। अब इसको पब्लिश करने के बाद जब डॉक्टर जोसेफ जुरॉन ने इसे पढ़ा तो उन्हें भी बड़ा मजा आया और उन्होंने क्या सोचा कि देखते हैं कि ये सेम सिचुएशन किसी और जगह भी होती है। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट ग्रुप्स में इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश की। वहां देखा डॉक्टर जोसेफ जुरॉन ने जैसे एक प्रोजेक्ट के ऊपर इसे अप्लाई करके देखा। सपोज कर लेते हैं कि 100 पीपल आर देयर एंड दे आर अर्निंग 100 करोड़ ऑफ वेल्थ फॉर दैट प्रोजेक्ट। बड़ा अजीब और बड़ा ही हैरान कर देने वाला फैक्ट था कि लगभग 80 करोड़ जो था वो केवल 20% लोगों के कंट्रीब्यूशन से आया था। यानी उस कंपनी में 20% लोग ऐसे थे जो रियल एसेट थे, जिनकी वजह से कंपनी ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया था। तो वो कंपनी के रियल हीरे हो गए। मान लीजिए आपको कभी किसी मोमेंट पर कंपनी से कुछ लोगों को हटाना होगा, रिमूवल करना हो, तो आप उन हीरों को तो कभी भी रिमूव नहीं करेंगे। ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल है। आप कहेंगे जी मेरे टाइम मैनेजमेंट में इस रूल का क्या महत्व है, इस पेरेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल का मेरे टाइम मैनेजमेंट की रूटीन में क्या फायदा है। तो इसके लिए भी इसको थोड़ा सा और स्टडी किया तो देखा कि हम लोग जितने भी काम करते हैं, अगर उसकी एक लिस्ट बना ली जाए, 100 वर्क आर देयर, 100 वर्क्स, 100 काम हम कर रहे हैं और जो भी हमारी आउटपुट है उसे 100% मान लेते हैं। तो 100 एक्टिविटीज 100%, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आउटपुट आपकी
आउटपुट जो है वो है 100 और आपने एक्टिविटीज़ जो भी की हैं वो भी 100 की हैं। कहने वाले ये कह रहे हैं, पेरेटो प्रिंसिपल ये कह रहा है कि आपकी 80% आउटपुट केवल 20% एक्टिविटीज़ पर डिपेंड कर रही है और 20% आउटपुट 80% एक्टिविटीज़ पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये एक्टिविटीज़ आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, 20 एक्टिविटीज़ आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं और किसी भी हालत में अगर आप टाइम प्रेशर में भी हैं तो ये 20 एक्टिविटीज़ आपकी किसी भी हालत में छूटनी नहीं चाहिए। यानी अगर आपके पास कोई टाइम प्रेशर है तो आप इन 80% एक्टिविटीज़ में से ही किसी को कम या ज़्यादा या हटाएंगे। ये एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? ये लेस प्रोडक्टिव हैं, लेस या नॉट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं, लेस प्रोडक्टिव या नॉट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अगर आप टाइम प्रेशर में हैं तो आप इन 20 एक्टिविटीज को हरगिज टच नहीं करेंगे ताकि आपकी आउटपुट का लेवल मेंटेन रहे। मान लेते हैं कि आपने इसमें से 10% एक्टिविटीज को कम कर दिया क्योंकि आपके ऊपर टाइम प्रेशर है, टाइम प्रेशर की वजह से आप कुछ एक्टिविटीज को छोड़ेंगे, तो 10% एक्टिविटीज आपने कम कर दी, तो मैथमेटिकली चलते हैं कि 2% आपका अचीवमेंट भी कम हो गया। तो फिर भी अगर आप देखें तो 98% ऑफ द अचीवमेंट लेवल आप मेंटेन करके चल रहे हैं और आप टाइम प्रेशर से भी बाहर आ गए हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट को अपनाने में या आपकी जिंदगी को मैनेज करने में पेरेटो प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या हैं जिनकी वजह से आपकी जिंदगी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है, उनको आपने कभी भी फॉरगो नहीं करना, वो तो करनी ही करनी है। जो लेस प्रोडक्टिव या नॉट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं वो खुद आप देखिए कि आपकी रूटीन में क्या है, उनको आप हटा दीजिए। जैसे टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, लेकिन सब कुछ एक्सेसिव होगा तो ये सारी लेस प्रोडक्टिव या नॉट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज आ गई, उनको आप थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए अगर आपके पास टाइम प्रेशर है तो। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल इज मर्करी लॉ। मर्करी लॉ व्हाट इट स्टेट्स, बी प्रिपेयर टू फेस एनी कंडीशन एट एनी सिचुएशन। किसी भी समय किसी भी हालत का सामना करने के लिए तैयार रहें। इसका मीनिंग क्या हुआ? मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, 100 डेज का प्रोजेक्ट है, 90 डेज बीत चुके हैं, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसे आप अप्रिय घटना माने, जिसे आप बुरी घटना माने, सब कुछ एकदम टू दी प्लान चल रहा है। तो 90 दिन तक कुछ भी बुरा नहीं हुआ तो इंसान क्या सोचता है, आगे भी सब ठीक ही होगा। यानी आपने क्या किया, आपने एक लॉ ऑफ एवरेजेस लगा दिया। आपने कौन सा नियम लगाया? लॉ ऑफ एवरेजेस। 91वें दिन क्योंकि निगाह हटी और दुर्घटना घटी। मर्करी लॉ ये कहता है कि आपको अलर्ट रहना है जब तक कि आप मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच गए, यानी कि जब तक आपकी मंजिल पूरी तरह से अचीव नहीं हो गई आपको ढीले नहीं पड़ना। यानी व्हेन यू आर ऑन द वे एंड वर्क इज ऑन प्रोग्रेस यू शुड नॉट बी लेथार्जिक। जब तक आप मंजिल तक ना पहुंच जाएं आप बिल्कुल अलर्ट रहें। ये आपको अलर्ट कर रहा है। लॉ ऑफ एवरेजेस नहीं लगता, मर्करी लॉ लगता है जो कह रहा है कि जब तक आप मंजिल तक ना पहुंच जाएं अलर्ट रहें। और ये इसका शब्दानुवाद नहीं किया मैंने, इसको मीनिंग समझ के आपके साथ उसका भाव स्पष्ट किया है। तो आप ध्यान से समझ लें कि यहाँ मर्करी लॉ आपके साथ क्या शेयर करना चाहता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक ड्राइवर है, 10 किलोमीटर की उसको जर्नी करनी है, 9 किलोमीटर तक वो बिल्कुल सुरक्षित आया है, अब आगे भी यात्रा एकदम सुखद हो जाएगी, एकदम आराम से कट जाएगी क्योंकि पीछे कुछ बुरा नहीं हुआ इसलिए आगे भी कुछ बुरा नहीं होगा, ये सोच के लेथार्जिक हो जाइए। तो क्या होगा? निगाह हटी और दुर्घटना घटी। यानी अगर वो आखिरी इंच तक अपने आप को अलर्ट ना रखे तो गड़बड़ होने के पूरे चांसेस हैं। यानी अगर आप ध्यान से समझें तो इस स्थिति में लॉ ऑफ एवरेजेस नहीं लगता। क्या लगता है? मर्करी लॉ लगता है। मर्करी लॉ क्या कहता है कि जब तक आखिरी इंच तक, आखिरी काम तक आपने काम नहीं कर लिया, अलर्ट रहिए, सजग रहिए, लेथार्जिक नहीं होइए।
कभी भी नियम अपने आप से बोल के नहीं कहेगा कि मुझे लगाइए। मर्करी लॉ खुद नहीं कहेगा कि मुझे लगाइए, ये आपको पता होना चाहिए और यही आप अपनी जिंदगी में जब जब जरूरत पड़े अपने को करेक्ट कीजिए। आपको पता होगा कि एक बहुत ही प्यारी सी एग्जांपल है इसके ऊपर कि अगर हम साउंड की स्पीड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, कैन यू गिव मी द आंसर? यस, इट इज 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। ये है हवा में आवाज की स्पीड, आवाज की गति। अब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने में न्यूटन साहब, सर आइजेक न्यूटन, लॉर्ड न्यूटन भी कहते हैं हम कई, बहुत ही आदरणीय विज्ञान के क्षेत्र में जिसने विज्ञान पढ़ा है, जिसने साइंस पढ़ी है, उन्हें न्यूटन साहब का नाम ना पढ़ाओ ऐसा हो ही नहीं सकता। न्यूटन साहब ने ये सोचा कि जो आवाज हवा में चल रही है ये चेंज, क्योंकि आइसोथर्मल चेंज है, और उसके हिसाब से उन्होंने एक फार्मूला डिराइव कर दिया। उनका ये सोचना कि ये चेंज एक आइसोथर्मल चेंज है। अब विज्ञान में ज्यादा नहीं जाते, सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि उन्होंने ये सोचा कि आइसोथर्मल चेंज है। इसके हिसाब से उन्हें आइसोथर्मल वाले सारे पैरामीटर लगा दिए और इस वैल्यू को, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैलकुलेट किया तो आंसर आया 280 मीटर पर सेकेंड। सारी कैलकुलेशन कई बार करके देख ली लेकिन आंसर वही का वही, 16% एरर था ये। इट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेरिमेंटल एरर। ये नहीं माना जा सकता था कि चलो हमको करने में कुछ कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है तो चलो इसको सही मान लेते हैं। तो उनका फार्मूला गलत माना गया वेलोसिटी ऑफ साउंड को एक्सप्लेन करने में। उन्होंने क्या सपोज किया था कि ये काम, ये जो प्रोसेस है, साउंड जो ट्रेवल कर रही है एयर में, ये किस नियम के तहत, ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस उन्होंने सपोज किया था। कुछ समय के बाद मिस्टर लैपलेस, उन्होंने उसको दोबारा से स्टडी किया और ध्यान से देखा, ओहो एक मिस्टेक हो रही है, बेसिक मिस्टेक हो रही है। द स्पीड ऑफ साउंड जो ट्रेवल कर रहा है वो एक सडन चेंज हो रहा है और सडन चेंज वाला तो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। अब देखिए, इवन ए मार्क्समैन में मिस, न्यूटन साहब से भी वो गलती हुई, उन्होंने नियम क्या माना, आइसोथर्मल, और गलती से वो लगा दिया क्योंकि नियम नहीं बोलता कि मुझे मत लगाइए, रिजल्ट आपको गलत मिल रहा है। अब लैपलेस साहब ने क्या किया कि ये क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक का एक गामा नाम का जो कांस्टेंट था उसका भी बीच में इस्तेमाल किया और वो वैल्यू बढ़ गई और उनकी वैल्यू, उनके फार्मूले से जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर आई वो आई 332.5 मीटर पर सेकेंड। वेरी नाइस रिजेम्बलेंस विद द प्रैक्टिकल वैल्यू। थियोरिटिकल वैल्यू 332.5 मीटर पर सेकेंड, एक्चुअल वैल्यू 332 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलेंट रिजल्ट, एक्सीलेंट रिजल्ट। तो सोच में थोड़ी सी उन्होंने अमेंडमेंट की। तो देखिए, रूल अपनी तरफ से कभी नहीं कहेगा कि मुझे लगाइए, इसीलिए आपसे क्या रिक्वेस्ट की, मर्करी लॉ आपने लगाना है अगर सिचुएशन वैसी हो। लॉ ऑफ एवरेजेस लगा देंगे तो रूल आपको कभी नहीं रोकेगा लेकिन गलत रिजल्ट आ सकते हैं। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आप ध्यान रखें कि किस जगह जिंदगी में मर्करी लॉ लग रहा है। और मर्करी लॉ मीन्स, मर्करी लॉ का क्या मतलब हुआ, यस ये क्या कहता है कि जब तक आप मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंच गए तब तक आप अलर्ट रहिए, जब तक आप फाइनल काम खत्म नहीं कर चुके हैं तब तक आप अलर्ट रहिए। ये नियम बहुत 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 जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ इज पार्किंसंस लॉ। व्हाट इट सेज, पार्किंसंस लॉ क्या कहता है, एक लाइन का बड़ा ही अद्भुत सा नियम है, लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, वर्क एक्सपेंड्स टू फिल अप द टाइम अवेलेबल, काम फैल जाता है उपलब्ध समय के अनुसार। समय नहीं आया पर कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपका एक एग्जाम है एक हफ्ते के बाद, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये सिलेबस है, इस सिलेबस को आप एक हफ्ते में आराम से कर सकते थे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपसे कहा गया ये सिलेबस है, एक हफ्ते बाद आपका एग्जाम है, ये पास आपने कर लिया, आपको एक अच्छी सी प्रमोशन मिल जाएगी, अपने का कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आप जैसे कुछ और दोस्त भी हैं, पूरे डिपार्टमेंट में ये एग्जाम होने वाला है।
लगभग 2-3 घंटे के बाद एक करिजंडम आया, एक शुद्धि पत्र आया और उसने कहा नहीं, वो एग्जाम एक हफ्ते बाद नहीं होना, ये एक महीने के बाद होगा, लगभग 4 हफ्ते के बाद होगा। सिलेबस वही है, सब कुछ वही है, एग्जाम भी वैसे ही है, वही पैटर्न है, सब कुछ वही है। अब आप सोच के बताइए कि जो सिलेबस आप एक हफ्ते में कर सकते थे, क्या आप उसे एक हफ्ते में करेंगे? और इस हिसाब से 4 बार आपका सिलेबस एग्जाम तक पूरा हो जाएगा? नो, आंसर यू नो वेरी वेरी। तो ये नो का आंसर क्यों आया? क्योंकि आपके पास पहले अवेलेबल टाइम था 1 वीक, उसमें जो काम था वो उतने में सिमट गया। लेकिन जैसे ही अवेलेबल टाइम 1 महीना हुआ, यानी कि 4 हफ्ते हुए, आपका वही काम अवेलेबल टाइम में फैल गया। तो वर्क एक्सपेंड्स टू फिल अप द टाइम अवेलेबल, यानी कि कार्य फैल जाता है उपलब्ध समय के अनुसार। ये बात आप बहुत ध्यान से समझ सकते हैं। तो इसका आपकी जिंदगी में क्या फायदा है? अब यहां है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। जब भी कोई काम आपके पास आएगा, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं 10 मिनट का काम हूं, मैं 1 घंटे का काम हूं, मैं 2 घंटे का काम हूं। काम कभी नहीं बोलेगा कि मैं इतनी देर का काम हूं। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप हर काम को लीजिए और उसको उसकी मेरिट के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से मतलब, अगर 10 मिनट का काम है तो 10 मिनट में खत्म कीजिए, 20 मिनट का काम है 20 मिनट में खत्म कीजिए, 2 घंटे का काम है 2 घंटे में खत्म कीजिए। ये आपकी जिम्मेवारी है कि जो भी काम आए आपके पास, उसे एज पर द मेरिट ऑफ द वर्क आपने डील करना है। अगर आपने डील कर लिया तो आपका वो काम खत्म हो जाएगा, और अगर आपने उसे एक चंक ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम अलॉट नहीं किया तो क्या हो? तो काम आएगा। अगर आपके पास 5 घंटे अवेलेबल हैं तो 2 घंटे वाला काम 5 घंटे में होगा, 10 मिनट वाला काम 20 मिनट में होगा, क्योंकि आपके पास 20 के 20 मिनट उसी में लग जाएंगे, क्योंकि आपने एलोकेट नहीं किया। तो जितने समय का आपके पास अवेलेबल है उतने में ही काम फैल जाएगा, तो टाइम आपका बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा जो आप बचा के कहीं सही जगह लगा सकते। तो पार्किंसन लॉ इज रियली वेरी ब्यूटिफुल वन लाइनर, लेकिन इट कैन चेंज द लाइफ। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, इसमें आप बहुत ध्यान से देखें, ये 1 पेज आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। अर्जेंट नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, ये 4 क्वाड्रेंट्स बनाए गए हैं। आप देखें कि पहला क्वाड्रेंट है जिसमें आप उन कामों को लिखेंगे कि जो अर्जेंट भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, जिन कामों को आप ये कह सकते हैं इनकी पहचान क्या है, मस्ट टू डू। ये काम क्या है? मस्ट टू डू। मस्ट टू डू कौन से काम होते हैं? मस्ट टू डू वो काम होते हैं जिनको ना करने से, अब ध्यान से समझिएगा, जिनको ना करने से नुकसान बहुत बड़ा हो। मैंने ये नहीं कहा कि फायदा बहुत ज्यादा होगा, फिर ध्यान से समझिए कि जिन कामों के ना करने से आपको बहुत बड़ा नेगेटिव आपकी जिंदगी में ऐड हो जाए, बहुत नुकसान हो जाए, वो काम अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। बॉस ने कोई काम आपसे कहा जिसे अभी 1 घंटे बाद कंपनी की पॉलिसी डिसाइड होनी है, आप उसे मत कीजिए। फिर देखिए वो काम अर्जेंट है या नहीं, यस इट इज अर्जेंट। क्या वो काम इम्पोर्टेंट है या नहीं है, इम्पोर्टेंट है। तो अर्जेंट भी है इम्पॉर्टेंट भी है, तो वो काम आपको अभी के अभी करना है। अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट काम जब भी आपके सामने आएंगे वो मस्ट टू डू होंगे, उनको डू इट इमीडिएटली होगा, यानी कि उनको करने का तरीका ये है कि जब भी वो काम आपके पास आएगा डू इट इमीडिएटली, उसमें हील हुज्जत नहीं करनी है, उसे सजा समझ के नहीं करना, मजा लेके करना है, क्योंकि उसकी नेचर ही ऐसी है कि वो आपका टाइम खाएगा ही खाएगा, लेगा ही लेगा। और अगर आप सोचते हैं कि उसको नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव का मतलब क्या, पैसे का नुकसान भी हो सकता है, मानसिक प्रतिष्ठा का भी नुकसान हो सकता है, मानसिक शांति का नुकसान भी हो सकता है। तो इसमें डू इट इमीडिएटली, ये हो गया एडवाइस। इसके बाद इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट, इनमें जितने भी गोल्स आपके जिंदगी के हैं ये यहाँ पे जगह लेते हैं, यानी आपने जिंदगी में जितने भी गोल्स लिखे हैं वो गोल्स के लिए हमेशा कुछ ना कुछ समय होता है, यानी इन कामों को आप एक प्लानिंग के तहत कर सकते हैं। तो जितने भी आपके गोल्स हैं या जिनमें कुछ समय आपके पास शेष है अचीवमेंट के लिए, उसके लिए आप एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रायोरिटाइजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो नॉन अर्जेंट
बट इम्पॉर्टेंट जो है वो यहाँ इस क्वाड्रेंट में उनको डील किया जाता है। इसके बाद अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसे भी कई काम आपके पास आएंगे, आपके पॉकेट में फोन है, रिंग बजी, आपको अटेंड करना जरूरी है, अटेंड करके देखा, ओह ये तो मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं रखता, तो आपने उसे डिस्कनेक्ट कर दिया ये कहते हुए कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो जब भी अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट काम आपके पास आए उनके लिए क्या फार्मूला है, उनके लिए फार्मूला सिर्फ यही है कि उन्हें अटेंड तो करना ही है क्योंकि वो अर्जेंट है, लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट है तो उनमें ऑलमोस्ट नो टाइम आपने इन्वेस्ट करना है, यानी कि उसमें लगभग ना के बराबर समय आपने लगाना है। और इसके बाद नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, मेरा ख्याल है ऐसे काम तो आप लोग नहीं करते होंगे, समझदार लोग हैं ऐसे काम शायद आप नहीं करते होंगे, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको लगता होगा कि टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, टेलीफोन कॉल्स, टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, तो ये सारी इंटरनेट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट होंगी, कब, जब आप इनको एक्सेसिव यूज़ करेंगे। जब तक वर्ड एक्सेसिव ना लगे तब तक ये नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एक्सेसिव वर्ड लग गया, यानी कि न्यूज़पेपर की हर न्यूज़ आपने शुरू से लेकर एंड तक पढ़नी है, रिमोट का हर बटन आपने चेक करना है, व्हाट्सएप के हर मैसेज को आपने देखना ही है, फेसबुक में हर एक के ऊपर कमेंट और लाइक आपने करना ही है, तो डेफिनेटली इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। और अगर आप टाइम प्रेशर में हैं तो आपको यहां से अपने टाइम को बचाना पड़ेगा। और इनके लिए एडवाइस क्या है, अगर आपके पास टाइम प्रेशर है तो आप इस क्वाड्रेंट के कामों को मिनिमाइज कर दीजिए, जीरोइज करने को मैं नहीं कह रहा, क्योंकि इस कैटेगरी के जो काम है वो आपकी जिंदगी में रंग भरते हैं, उमंग भरते हैं, आपको आनंद देते हैं, लेकिन आपको कितना रंग भरना है, कितनी उमंग उसमें डालनी है, ये एक नियंत्रण आपके पास होना चाहिए। और वो क्या है, आप सोचिए कि ये काम मिनिमाइज किया जा सकता है अगर आपके पास टाइम प्रेशर है तो, और अगर आपके पास खूब टाइम है तो एंजॉय करो यार, क्या टेंशन। चलिए और आगे बढ़ते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन आपने नहीं करनी है, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस जो परफेक्शनिस्ट होते हैं उनको होता है। चलिए अब बात करते हैं, देयर आर मेनी टाइम वेस्टर्स बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली टू टाइम वेस्टर्स। फर्स्ट, मीटिंग्स विदाउट एजेंडा, नेवर एवर गो टू अ मीटिंग विच इज हैविंग नो एजेंडा एट ऑल। अगर आपको बुलावा आए किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए और आपको लगता है कि इसका एजेंडा ही निश्चित नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट होने वाला है। तो अब क्या करें, कभी भी मीटिंग्स विदाउट एजेंडा को अगर आपके पास मौका है, चॉइस है, तो डोंट गो। अगर कंपल्सरी है तो ठीक है, जाइए, जब तक आपकी ज़रूरत है वहाँ बैठिए और उसके बाद वापस आ जाइए, क्योंकि मीटिंग्स विदाउट एजेंडा इज़ ए टाइम वेस्टर। यहाँ एक रिक्वेस्ट है आपसे, हाउ टू कंडक्ट अ गुड मीटिंग, इस विषय पर कम से कम 15-20 मिनट की एक प्रेजेंटेशन खुद बनाइए, कुछ समय नेट पर बिताइए और 15-20 मिनट की जो वीडियो है या प्रेजेंटेशन है वो खुद बनाइए अपने लिए, एंड यू विल सी, यू विल लर्न ए लॉट, बहुत सीखने को मिलेगा अगर आप इस चीज को ध्यान से देखते हैं तो। टाइम वेस्टर आप देखिए आपको दिखाई क्या दे रहा है, टेलीफोन कॉल्स, टेलीफोन कॉल्स आर रियल टाइम वेस्टर्स, लेकिन हमेशा नहीं, कब, जब वो आपको ऐसी स्थिति में पहुंचाते हैं, मींस आपके पास टेलीफोन कॉल्स अटेंड करने के अलावा कुछ काम ही ना बच गया हो। अगर आपकी जिंदगी में टेलीफोन कॉल्स की फ्लड आ रखी है, बाढ़ आई हुई है, तो आप समझ जाइए कि आपके लिए टाइम वेस्टर हैं टेलीफोन कॉल्स, तो इसको हम ये कहेंगे अनकंट्रोल्ड टेलीफोन कॉल्स। सेकेंड टाइम वेस्टर, अनकंट्रोल्ड टेलीफोन कॉल्स हम टाइम वेस्टर में मान के चल रहे हैं। और अगर आपके पास कुछ ऐसे ही कॉल्स आती हैं, अंधाधुंध कॉल्स आ रही हैं और आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है, तो उस समय आप अपने फोन को साइलेंट मोड पे करके साइड पे रख दें, अपने काम को निपटाएं, उसके बाद फोन को उठाएं और जो कॉल्स आई हैं उसको रिप्लाई करें, एंड दैट्स इट, तब तो आपका काम निपट जाएगा। नहीं तो आप अगर इंटरप्शंस के साथ काम को करेंगे तो आपका काम 2.5 से लेकर 5 गुना तक ज्यादा समय लेगा, यानी कि आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा।
तो कॉल्स को अटेंड करना है तो उससे बचना होगा। अनकंट्रोल्ड टेलीफोन कॉल्स आपके लिए बहुत बड़ा टाइम वेस्टर होंगी, तो उसे आप कैसे हैंडल करना चाहते हैं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, तो लर्न दैट। अब जब टी से टेलीफोन की बात की थी तो टी से टेक्नोलॉजी भी होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी में यहां एक सरकास्टिकली यूज किया है कि गेम जब हम खेलते थे नेट पे टाइम बिताते हैं तो वहां उसके अंदर जाने का रास्ता तो होता है लेकिन बाहर आने का रास्ता नहीं होता, मींस टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। उस टाइम वेस्टेज को हमने रोकना है, अगर हम रोक सके तो रियली वी आर गोइंग टू यूटिलाइज आवर टाइम। और बाकी जो बचा आजकल व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, सब टाइम इसी में चला गया। यानी ये एक महासागर है, इसके अंदर हर व्यक्ति अपना अपना टाइम डालता चला जा रहा है और वो टाइम कहाँ जा रहा है पता ही नहीं। कोशिश कीजिए कि ये जो टेलीफोन कॉल्स, ये आपके पास आपका व्हाट्सएप, इसके अंदर आपने टाइम डाला, इसके अंदर फिर टाइम डाला, इसके अंदर फिर टाइम डाला, लेकिन ये टाइम कहाँ जा रहा है आपका कोई नहीं जानता। ये क्या है, कुल मिला के वेस्टेज ऑफ टाइम है। कभी कभी आपको इसका यूज करना पड़ सकता है। आई एम नॉट अगेंस्ट द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी चीज है। ये क्षमा तो जली रोशनी के लिए, इस क्षमा से कहीं आग लग जाए तो इसमें क्षमा का क्या कसूर है। यस आई मीन इट। विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये विषय हमने बहुत अच्छे से डील किया है, तो ये हमारे लिए वरदान रहे अगर हमारे नियंत्रण में रहे, ये हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा अगर हम इसके नियंत्रण में आ गए। तो इस बात को आपने हमेशा 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 ध्यान में रखना है, नहीं तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। चलिए लास्ट, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको एक खास चीज दिखाई दे रही है और वो मैसेज क्या है कि जैसे एक पेड़ पर केवल एक ही प्रकार के फल लगते हैं, उसी तरह से एक व्यक्ति एक महत्वपूर्ण काम को एक समय में कर सकता है। तो आप अगर इस चीज को नियंत्रित कर पाए तो आप हाईएस्ट अचीवमेंट करेंगे। और अगर आपने क्या किया कि एक काम पकड़ा, अभी वो पूरा नहीं हुआ, दूसरे को पकड़ लिया, इसे छोड़ दिया, फिर इसको पकड़ा, अभी चल ही रहे हैं, एक और काम को पकड़ लिया, बढ़ते 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 आप आगे तो बढ़ते जा रहे हैं और पीछे इनकम्प्लीट कामों की एक श्रृंखला छोड़ के जा रहे हैं, तो वो आपके टाइम वेस्टर्स हैं। इनकम्प्लीट वर्क्स आर टाइम वेस्टर्स। याद रखिएगा कि हमें इस आदत से कैसे बचना है, तो उसके लिए रूल क्या है, बी ए फिनिशर, कार्य को संपन्न करता बने, काम को संपन्न करने की आदत डालें। यानी कि एक काम को पकड़िए, उसे निपटाइए, फिर दूसरे काम को तब पकड़िए। यानी जैसे पेड़ एक ही प्रकार के फल को फलीभूत कर सकता है, उसी प्रकार से आप भी एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर, एक कामयाब व्यक्ति के तौर पर तभी बन सकते हैं जब आप एक काम को पकड़ें और उस काम को सरंजाम तक पहुंचाएं। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि whosoever have managed the time, he will manage everything in his life। तो हाईएस्ट अचीवमेंट तक आप पहुंचने जा रहे हैं क्योंकि आपने टाइम मैनेज कर लिया है। एंड दिस इज जर्नी ऑफ 2000 miles starts from first step, everybody knows. Let us have something good. Thank you. Bye-bye.